अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। गोपालपुरम पुलिस की जानिब से एक रैली निकाली गई। इसका मकसद और मतलब यही था कि जो किडनैपर्स के ताल्लुक से जो शहर हैदराबाद में अफवाहों का बाजार गर्म है, उसके खिलाफ ये मुहिम चलाई गई। और पब्लिक में अवेयरनेस के लिए SHO गोपालपुरम श्रीधर ने क्राइम टुडे से बात करते हुए भी सारे तफसीलात बताई। मोहम्मद इमरान के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़ हैदराबाद। ऐसे अफवाहों को पब्लिक यकीन न करें और इत्मीनान से रहिए, क्योंकि ऐसा कोई सच नहीं है। ये ऐसे अफवाहों में कोई गैंग सिटी या तेलंगाना में नहीं है जो बच्चों को किडनैप करने वाले, नहीं तो रॉबरी और डकैती करने वाले गैंग्स कुछ भी नहीं है। ये पूरे गलत अफवाहें हैं और पब्लिक को अगर किसी के ऊपर शक हुआ, किसी के ऊपर कोई अनजान व्यक्ति के ऊपर शक हुआ, तो इमीडिएट पुलिस को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में या अपने सेक्टर SS को इन्फॉर्म करें, नहीं तो 100 डायल 100 या हाके के ऊपर पुलिस को इतला कर सकते हैं। ऐसे रूमर्स को बिलीव नहीं करना बोल के पब्लिक से एक रिक्वेस्ट है। हैदराबाद एक सेफ सिटी है, ये वो सब गलत है। पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि कानून हाथ में मत लीजिए। आजकल जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं चंद्रायनकुटी में या दूसरी सिटी में, दूसरी जगह, ऐसा कानून को हाथ में मत लीजिए। कुछ भी है तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन कीजिए और पुलिस ज़रूर एक्शन लेगी। और आपके सेफ्टी के लिए हमेशा 24 आवर्स हम लोग आपके साथ हैं। आप भरोसे से अपना इन्फॉर्मेशन पुलिस से शेयर करिए। पुलिस आपके सेफ्टी के लिए है। आप लोग ये बात आप लोग भी WhatsApp में या Facebook में सबको शेयर करिए। गलत इन्फॉर्मेशन को शेयर मत कीजिए। जो भी ये गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उनका भी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दीजिए। ऐसे लोगों के ऊपर भी कानून एक्शन लीजिए। सच की तलाश का नाम आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।